श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ और आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ, जो आप में से जितने लोग मेरे पास आते हैं उनमें से 50% की यही कहानी होती है। क्या कहानी है? कहानी है कि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, 10 साल बहुत अच्छा कमाया, 15 साल बहुत अच्छा कमाया, 20 साल बहुत अच्छा कमाया, अचानक लग रहा है सब खत्म हो गया। और उसके बाद आप जाते हैं तांत्रिकों के पास या ज्योतिष के पास या मौलाना के पास, और वो बताता है कि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके ऊपर तंत्र कर दिया है। फिर आप पिलर टू पोस्ट दौड़ते हैं कि कैसे इस तंत्र का काट हो, लेकिन कुछ होता नहीं है, आप लाखों रुपए डुबा देते हैं। क्यों होता है ऐसा? आज तक अगर मैंने 1000 लोगों को देखा होगा, 1000 लोगों को, तो उसमें शायद मैजिक का अंश 10 लोगों में पाया होगा। देव बंधन उससे ज्यादा लोगों में, एस्ट्रोलॉजिकल कारण कुछ लोगों में, इसी तरीके से अलग अलग कारण से लोगों का पतन होता है। लेकिन एक जीवन में अंतर सब के आता है, और क्योंकि समय के साथ वो ज्ञान लुप्त हो गया, उसको हम लोग सही करना नहीं जानते। इस वीडियो का नाम है महागरुड़ यंत्र। गरुड़ के बारे में हम लोग जानते हैं कि गरुड़ देवता हैं, गरुड़ रामायण में थे, गरुड़ पुराण है जो मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। लेकिन महागरुड़ यंत्र का बहुत महत्व है, और गरुड़ को जो इतना महत्व जीवन में दिया गया और हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट में दिया गया, उसके पीछे कारण है। अगर आपके जीवन में ऐसा हुआ हो कि आप बहुत अच्छा बिजनेस करते थे और अचानक आपका बिजनेस मिड लाइफ में ख़त्म हो गया हो, जैसे जिसको हम मिड लाइफ क्राइसिस भी कहते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जीवन का पहला हाफ कुछ नहीं कमाया और सेकंड हाफ में गोल पे गोल दागते हैं, और जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले जीवन में खूब कमाया, उसके बाद कमा ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी करके, उनकी स्थिति एक गरुड़ के समान होती है। गरुड़ का क्या नेचर है, क्या प्रॉपर्टी है, ये आपको पता है? एक गरुड़ जब 30 से 35 साल का होता है तो उसके शरीर के बाल का वजन और उसके नाखूनों का वजन इतना हो जाता है कि वो खुद उड़ नहीं पाता है। उस समय गरुड़ करीब 3 महीने के लिए किसी गुफा में चला जाता है और शरीर को घिस घिस के, नाखूनों को तोड़ तोड़ के छोटा करता है, और फिर नए नाखून और नए पर के साथ वो फिर से उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये गरुड़ भाव हर व्यक्ति के जीवन में आता है। अगर आप बहुत शानदार पहली पारी खेलते हैं तो आपके जीवन में मिड लाइफ क्राइसिस आएगा, जब आपका जो गरुड़ है वो सोने चला जाएगा, वो चला जाएगा खुद को रेजुविनेट करने, और फिर आपको ये पता नहीं है कि उसको वापस कैसे लाएं और फिर से अपने जीवन को सुचारू रूप से कैसे चलाएं। ऐसे में तंत्र शास्त्रियों ने हमें एक यंत्र दिया है जो कि अति गुप्त है, उसको कहते हैं गरुड़ यंत्र। ऐसे एक भोजपत्र पे भी गरुड़ यंत्र बनाया जा सकता है और गरुड़ का जाप होता है, उससे भी अल्प प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। एक सामान्य गरुड़ यंत्र होता है, आप किताबों में खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके जीवन में बहुत निराशा आ गई है और आप इस सेगमेंट में आते हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है और अब नहीं कमा पा रहे हैं, तो आपके लिए वो गरुड़ यंत्र है, वो आप उसको एक भोजपत्र पर बनाओ, किसी भी अमावस्या के दिन गरुड़ मंत्र का जाप करके उसको सिद्ध करो और अपने व्यापार स्थान पर लगाओ।
जो थोड़े और सबल हैं। पंच धातु का एक अलग गरुड़ यंत्र बनता है, उसको आप खुद स्थापित नहीं करते, उसको तांत्रिक विधि से स्थापित करवाया जाता है, और उसके बाद एक विशेष दिशा में आपके व्यापार क्षेत्र या व्यापार के दुकान, जो भी व्यापार दुकान है आपका, उसमें एक विशेष दिशा में उसको टांग दिया जाता है। उसके टांगने मात्र से ही जो शक्ति का संचार होता है, उससे आपका व्यापार फिर से चलने लगता है। बहुत बार लोगों को लगता है कि एकदम राजा से रंक हो, लेकिन फिर भी वापसी करना चाहते हैं, फिर से उसी फोर्स में आपको बिजनेस में वापस आना है, धनाढ्य आपको वैसे ही बनना है, सामाजिक प्रतिष्ठा है वैसी ही चाहिए, तो फिर एक पूरा विस्तृत गरुड़ यंत्र बनता है। उस गरुड़ यंत्र में जो मुख्य यंत्र रहता है वो चंदन का बनता है, ठीक है, लकड़ी के ऊपर, चंदन के लकड़ी से यंत्र बनता है। फिर उसमें शब्द जो है वो अशोक के पेड़ से लिखा जाता है। अशोक की जो लकड़ी होती है, जो हम अभी नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, वो अशोक नहीं है, वो अशोक नहीं है जिस पे हनुमान जी विराजते हैं, वो अशोक नहीं है जिसके नीचे सीता माता को रखा गया था। ये एक डेकोरेटिव प्लांट को हम लोग ये अशोक कहते हैं, लेकिन वन विभाग के आदेश से अशोक का लकड़ी का कुछ हिस्सा मिलता है लाइसेंस, तो उससे फिर यंत्र का आउटलाइन बनाया जाता है, और प्योर टीक पे ये पूरा यंत्र बनता है। यंत्र के पीछे 81 सांचे बनाए जाते हैं, और इन 81 सांचों में 81 तरीके का वाणिज्य रखा जाता है, मतलब रूट्स रखा जाता है, और ये एक पूर्ण गरुड़ यंत्र बनता है, और इस गरुड़ यंत्र को सिद्ध किया जाता है। आपका कितना भी बुरा हालत हो, आपका बिजनेस कितना भी बुरा क्रैश किया हो, आपको लोगों ने बोला हो कि बहुत बड़ा तांत्रिक क्रिया हुआ है, आपको लोगों ने बोला हो कि आप पे बंदिश कर दी गई है, आप पे लोगों ने बोला हो कि किसी ने काला जादू किया हो, लेकिन अगर आपका लक्षण ये है कि आप बहुत कमा रहे थे और अचानक अब कमाई बंद हो गई हो, तो ये वो समय है जब आपके जीवन भाव का गरुड़ सुप्तावस्था में चला गया है, या फिर ऐसा बोले कि रेजुविनेशन के लिए चला गया है, तो फिर उसका आवाहन करना होता है। तो ये जो एक मंत्र है, ठीक है, इस मंत्र से और इस यंत्र से आप गरुड़ को पुनः जीवित कर सकते हैं, और जिस फोर्स के साथ आपका काम चल रहा था वो फिर से चालू हो सकता है। तो तीन विधान, अगर बहुत अल्प है आपका परेशानी, तो आप एक भोज पत्र पर, जो नॉर्मल तंत्र की किताबों में गरुड़ यंत्र आता है, वो गरुड़ यंत्र बना करके और गरुड़ के मंत्र का जाप करें, तो मिड लाइफ क्राइसिस आपकी खत्म हो जाएगी, इकोनॉमिकल मिड लाइफ क्राइसिस। अगर समस्या ज्यादा है तो एक गरुड़ यंत्र बनता है, मुख्यतः तांबा रहता है, लेकिन उसमें पूरा पंच धातु का मार्क रहता है, चिन्ह रहता है, वो उसका एक विधान है, तो उसको किसी अच्छे साधक से जो जानता हो बनाने, उसको जीवित करवा के, और अपने जो आपका व्यापार स्थान है उसमें एक विशेष जगह रहेगा जिसमें वो आपको टांगने बोला जाएगा, उसको टांग लेंगे। और अगर बड़ा व्यापार है, बड़ा आपका जो धन धान्य संपत्ति है वो बहुत बड़ी है, तो फिर आपको जो तीसरा यंत्र है, जो महागरुड़ यंत्र है, जो कि तीन प्रकार की लकड़ियों के संयोग से और 81 तरीके का जो जड़ी है उसके संयोग से बनता है, वो आपको बनवाना चाहिए, उसको जागृत करवा के फिर अपने व्यापार स्थान पर रखना चाहिए। इन यंत्रों से आप फिर से जैसे शुरुआत में थे वैसे ही हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का बेसिक सीखना है, जैसे आसन बंधन, दिशा बंधन, उसके बाद जो भैरव साधनाएं शुरुआती होती हैं वो सीखना है, तो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ@cm4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कुछ बहुत विशेष हो तो मेरा नंबर है 9431188585, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सभी को गरुड़ देवता धनाढ्य बनाए, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।